Assalamualaikum, welcome to my channel Mathematics. So आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.6. तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट है हमारे पास 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर. तो ये इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, अल्फा बीटा अगर इससे रूट्स हैं तो. जीवन इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0. यहाँ से हम अल्फा प्लस सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस बी बाय ए, और यहाँ पे माइनस इन टू माइनस 2 बाय ए की वैल्यू है 3, सो ये आ जाएगा 2 बाय 3. अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं सी बाय ए, सो 4 बाय 3. तो यहाँ पे हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड कर ली है. अब हम चलते हैं इसी तरफ जिसे हमने इसी वैल्यू फाइंड करनी है. सो अगर हम एलसीएम ले लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एलसीएम हमारे पास ये आएगा. सो अब हमने इन वैल्यूज तो मैंने जैसे ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर है, इसे हम बीटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम बनेगा ये वाली वैल्यू. इसलिए हम इससे ऊपर वाले को भी बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस. अब ये हमारे पास बीटा स्क्वायर है, इसे हम अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी. तो इसलिए ऊपर वाले को भी हम अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ये आ जाता है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. मतलब एडिशन तो हमारे पास कम्यूटेटिव होता है ना, इसलिए मैंने ये अरेंज करके लिख लिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. सो यहाँ पर हम हमारे पास जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है हमारे पास. तो यहाँ पर हम प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा ऐड कर लें, डाल देंगे नीचे हम अच्छा सा. तो यहाँ पर स्क्वायर लिख लेते हैं, बात वही है. सो यहाँ पर हम प्लस वाली हमारे पास वैल्यू दी माइनस ऑफ रूट से, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस 4 माइनस 2 अल्फा बीटा अलहदा ही रहने देते हैं, अल्फा बीटा होल स्क्वायर. सो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2 बाय 3 स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 4 बाय 3, 2 इंटू 4 बाय 3, एंड डिवाइजर में हमारे पास है अल्फा बीटा तो स्क्वायर यानी 4 बाय 3 स्क्वायर. सो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इससे स्क्वायर लेते हैं तो 2 2 जर 4 होता है और 3 3 जर 9 होता है. ये आ जाता है हमारे पास 2 4 जर 8 बाय 3 और ये आ जाता है 16 बाय 9. सो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारे पास 9 आएगा. सो 9 1 जर 9 होता है तो 4 से भी हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 जर 9 होता है तो इसीलिए हम इससे ऊपर वाले से भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. 8 3 जर 24 बाय 16 बाय 9, ये आ जाता है हमारे पास माइनस 20 बाय 9 और ये डिवाइस में इसे हम उलट कर देते हैं, मल्टीप्लाई में ले आते हैं. 9 9 से कैंसिल पीछे बच जाता है हमारे पास माइनस 20 बाय 16. सो 4 5 जो 20, 4 4 जो 16, ये आ जाता है माइनस 5 बाय 4. सो जो हमारे पास था 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो है माइनस 5 बाय 4. अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं और इसमें हमने फाइंड करनी है वैल्यू अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा. तो इस पर भी हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, एलसीएम इससे हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा. सो अब हम इस वैल्यू तो देख लेते हैं, बीटा है इसे अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारे पास अल्फा बीटा बने, तो इसके ऊपर वाले से भी हम अल्फा से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर. इस तरह ये अल्फा यहाँ पर बीटा से मल्टीप्लाई होता तो हमारे पास अल्फा बीटा बनता, इसके ऊपर वाले से भी बीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे. अध्ययन हमारे पास यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जीवन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं जीवन. सो यहाँ पर हम 2 अल्फा बीटा ऐड कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो ये बन जाता हमारे पास अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा. अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2 बाय 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू
अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 4/3 है, और डिवाइज़र में भी हमारे पास है यही है अल्फा बीटा, तो हमारे पास 4/3 इधर भी आ जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 2s are 4, 3 3s are 9, -8/3 / 4/3। सो एलसीएम ले लेते हैं, 9 आएगा एलसीएम में, 9 × 1 9 ही होता है, तो इसलिए 4 × 1 होता, 3 3s are 9 होता है, तो ऊपर वाले से भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 3s are 24 / 4/3, ये आ जाता हमारे पास -20/9, और ये डिवाइड में आप इसे उलट कर देंगे मल्टीप्लाई में बनाने के लिए, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 4 1s are 4, 4 5s are 12, तो आंसर आ जाता -5/3। तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ रही है जो है -5/3। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें हमने फाइंड करनी है अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू। अब इसे हम उस तरह स्प्लिट कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ए थी वैल्यू, ये हमारे पास बी थी वैल्यू, इस तरह स्क्वायर बनाना चाहे तो हमें +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये याद रहे ये हमारे पास ए थी वैल्यू है, ये स्क्वायर की तरफ ना जाना, ये हमारे पास वैल्यू है ए थी, और ये हमारे पास बी थी वैल्यू, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए थी वैल्यू हमारे पास अल्फा स्क्वायर है, बी थी वैल्यू हमारे पास बीटा स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर लिया, इससे कैंसिल करने वापस यही बन जाती है, पर इसे यहाँ पे करना मजबूरी है क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, इस तरह ही है, तो इसलिए हमने इन दोनों तथा तथा पूरे पे पावर इस तरह ले लिया, ये बन जाता है हमारे पास अल्फा प्लस ये हमारे पास यहाँ बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर। सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पहले मैं दोबारा से वो इक्वेशन लिख लेती हूँ, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करने लगी हूँ, 2/3 स्क्वायर -2 इंटू 4/3 स्क्वायर -2 इंटू 4/3 स्क्वायर। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता 4/9, ये आ जाता 8/3 माइनस यहाँ पे हमारे पास क्लियर है 2 × 16/9। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 9 1s are 9, तो 4 से भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s are 9 होता है, जिसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास 24 आ जाएगा, -32/9 आपके स्क्वायर है हमारे पास, यह आ जाएगा -20/9 स्क्वायर -32/9, तो यह आ जाएगा हमारे पास 400/81 -32/9। तो अब हम इनसे एलसीएम लें, तो ये हमारे पास दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, तो हमारे पास एलसीएम ये बड़े वाली वैल्यू आ जाएगी 81 81 × 1 हो तो हमारे पास 81 होता है, इसलिए ऊपर भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 9s are 81 होता है, सुपर वाले भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 112/81। तो ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली है अल्फा स्क्वायर 4 प्लस बीटा 4। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इस पार्ट में हमने फाइंड करनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। तो इस पर हम पहले फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा
प्लस बी दस से। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, उसमें हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। यहाँ पर हमारे पास अल्फा बीटा है, तो हमने उस लिहाज से अल्फा और बीटा पूछ किया। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू भी दीवन है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी दीवन है, पर अल्फा स्क्र बीटा स्क्र की वैल्यू हमारे पास नहीं दीवन। सो अब हमें करना ये होगा प्लस बीटा स्क्र माइनस अल्फा बीटा। यहाँ पर अल्फा बी टू अल्फा बीटा ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास इससे स्क्वायर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस स्क्वायर माइनस माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा वैल्यू है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा से टू बाई थ्री इंटू ये भी टू बाई थ्री है और इसकी वैल्यू हमारे पास है फोर बाई थ्री। ये टू बाई थ्री बार ही जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास फोर बाई नाइन और थ्री फोर जो ट्वेल्व बाई थ्री टू बाई थ्री नाइन एल। तो नाइन मंजर नाइन होता है, फोर मंजर फोर होगा, थ्री थ्रीजर नाइन होता है, तो ट्वेल्व भी थ्री से मल्टीप्लाई ही होगा। ट्वेल्व थ्रीजर हमारे पास होता है थर्टी सिक्स, तो टू बाई थ्री बाई माइनस थर्टी टू बाई नाइन से आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये आ जाता है हमारे पास माइनस सिक्सटी फोर बाई ट्वेंटी सेवन। तो यहाँ पे हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और हमने वैल्यू फाइंड करनी है वन बाय अल्फा क्यूब प्लस वन बाय बीटा क्यूब। सो पहले इससे हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सो अल्फा क्यूब इससे हम बीटा क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आ जाए, इसके ऊपर वाले भी हम बीटा क्यूब से ही मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये बीटा क्यूब से हम अल्फा क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आ जाए, इसके ऊपर वाले जो भी हम अल्फा क्यूब से ही मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा क्यूब। सो ये आ जाएगा हमारे पास, अब इसी अगर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, पहले इसे हम सीधा कर लेते हैं, इन दोनों तथा क्यूब ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब से फार्मूला लिखने लगी हूँ, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा क्यूब। सो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दीवन है, इसके अलावा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं दीवन, माइनस अल्फा बीटा की भी दीवन है, अल्फा बीटा की दीवन है। तो यहाँ पर हम अल्फा टू अल्फा बीटा ऐड कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस थ्री अल्फा बीटा। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री होता है, साइन हमारे पास माइनस से ही आ जाती है, तो बड़े के साथ हमारे पास माइनस है और ये हमारे पास अल्फा प्लस अल्फा बीटा थ्री इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, टू बाई थ्री है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, टू बाई थ्री स्क्वायर माइनस थ्री इंटू फोर बाई थ्री बाय फोर बाई थ्री क्यूब। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, अब टू बाई थ्री फोर बाई नाइन ये इससे कैंसिल पीछे फोर बच जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास सिक्सटी फोर बाय ट्वेंटी सेवन। सो टू बाई थ्री एंड टू इस एलसीएम हम ले रहे नाइन, नाइन मंदर नाइन होता है तो फोर तो भी हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं, इस डिवाइजर में हमारे पास वन ही अच्छी नहीं होता तो वन ही होता है, वन नाइन जर नाइन होता है तो फोर तो भी नाइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये हमारे पास डिवाइड में हम इसे उलट कर देंगे मल्टीप्लाई में लाने के लिए, यह आ जाता है टू बाई थ्री, यह आ जाता है हमारे पास माइनस थर्टी टू बाई नाइन और यह आ जाता है हमारे पास ट्वेंटी सेवन बाय सिक्सटी फोर। सो थर्टी टू मल्टीप्लाई बाई टू सिक्सटी फोर होता है और ये भी सिक्सटी फोर है, ये कैंसिल,
थ्री नाइन दर 27 होता है, ये भी 27, ये भी कैंसिल, पीछे बाजे हमारे पास माइनस वन। सो हमने वैल्यू फाइंड कर लिया 1/α³ प्लस 1/β³। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है α² माइनस β² की। सो α² माइनस β² की जैसे फार्मूला लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। सो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा थी दिवन है। सो हमने अल्फा माइनस बीटा थी वैल्यू भी फाइंड करनी है, जैसे इसमें कन्वर्ट कर देने से हमारे पास वो वैल्यूज आ जाएं या वो रूट्स आ जाएं जिनकी वैल्यू हमारे पास दिवन होती है। सो हम अल्फा माइनस बीटा तो हमें पता है, वो नो डैट अल्फा प्लस माइनस बीटा का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2α β। अब यहाँ पर हम ऐड भी कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं 2α β तो और ये माइनस 2α β भी लिख लेते हैं। यह आ जाता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4α β। ये हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है स्टेयर की। अब हम स्टेयर इन बोथ साइड से रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्टेयर इंटू अल्फा प्लस बीटा स्टेयर माइनस 4α β। ये आपस में कैंसिल, पीछे बढ़ जाता है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्टेयर माइनस 4α β। सो अब हम इसमें वन वाली में अल्फा माइनस बीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा थी भी जीवन और अल्फा बीटा थी भी है। अल्फा माइनस बीटा थी तो हमारे पास वैल्यू जीवन नहीं, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें सॉल्व करें अपने क्वेश्चन। तो माइनस 4α β, अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा थी वैल्यू 2/3 स्क्वायर माइनस 4/3 2/3 इंटू 2 × 4 3 × 3 = 9 माइनस 16/3 एलसीएम लेने तो हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 × 1 = 9 होता है। सो 4 से भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 × 3 = 9 होता है, इसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 48। अब इसे आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस 44/9। तो अब यहाँ से हम माइनस अंडर रूट 1 साइड पे कर लेंगे, पहले हम इधर ही लिख लेते हैं इसे 44/9 और माइनस 1 अलहदा कर लिया, फर्क तो हमारे पास नहीं पड़ेगा, इसे वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 44 आ जाएगा। अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास आयोटा होती है, सो 4 × 11 होता हमारे पास 44 बनता है और 3 × 3 = 9 होता है, तो ये तो हमारे पास ख़त्म हो गया। यानी यहाँ पे हमारे पास 3 स्क्वायर बना, अंडर रूट ऊपर से था इसे ख़त्म कर दिया, तो पीछे हमारे पास खाली 3 बच गया, सो 2/9। अब यहाँ से हम अंडर रूट 4 अलहदा कर लेंगे, अंडर रूट 11 अलहदा कर लेंगे, तो ये आ जाता है हमारे पास 2 स्क्वायर होता हमारे पास 4 बनता है, ये से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास 2 बच जाएगा 11 आयोटा। तो 2 × 2 = 4/9 इंटू 11 आयोटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं मैं कोई और बुक शुरू करवाऊँ 12th या 9th, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर वो भी शुरू करवा दूँगी। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।